बिब्लियोलॉजी बाइबली शास्त्र का इस अध्ययन को हम जारी रखते हुए आज देखेंगे कि बाइबल के लिखे जाने के पीछे उद्देश्य क्या है। परमेश्वर के दास विद्रो क्रोल जो बैक टू द बाइबल के हैं, उन्होंने तीन विशेष कारणों को सम्मुख मिलाया। पहला है प्रिसिशन, दूसरा है प्रोपगेशन और तीसरा प्रिजर्वेशन। हम इसे हिंदी में देखेंगे। पहला प्रिसिशन अर्थात सटीकता। बाइबल के शब्द परमेश्वर के सटीक शब्द है, वे ही शब्द है जो पवित्र आत्मा ने चाहा कि परमेश्वर हमसे बोले। एक भी शब्द यहाँ वहाँ नहीं है। यीशु मसीह ने कहा कि एक छोटा सा बिंदु भी बाइबल का टलने वाला नहीं है। जो शब्द, जो बिंदु, जो विराम परमेश्वर चाहता था कि बाइबल में हो, वो शब्द सटीक रूप से है। सटीकता के लिए वे वचन हमारे बीच में आया है लिखित रूप से। दूसरा कारण प्रोपगेशन अर्थात संचार हेतु। परमेश्वर का वचन इसलिए लिखित रूप से दिया गया ताकि लिखित वचन उसके संदेश को सारे दुनिया में संचरित करे, सारे दुनिया में फैला दे। यदि कहा हुआ वचन रहता है, उस जमाने में खैर रिकॉर्डर्स नहीं थे, टेप रिकॉर्डर नहीं थे जिस प्रकार से अब आवाज़ को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन उस जमाने में किसी बात को भी रिकॉर्ड करना है, किसी बात को भी यदि संचार के लिए फैलाने के लिए किसी वचन को उसको सुरक्षित करना है, तो वो माध्यम केवल लिखित वचन ही था। सो प्रोपगेशन संचार हेतु, और तीसरा सुरक्षित हेतु, सुरक्षित करने के लिए। परमेश्वर के वचन लिखित रूप से सुरक्षित है। यदि लिखित नहीं रहता तो एक कान से दूसरा कान सुनना, दूसरे कान से तीसरा कान सुनना, तीसरे से चौथा, इस प्रकार से एक व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति तक वचन पहुंचते पहुंचते उसमें हेरा फेरी या फेर बदल हो सकती थी, लेकिन क्योंकि ये लिखित रूप से हमें दिया गया है, वचन सुरक्षित है। जो परमेश्वर वचन हमें देना चाहता है सटीक रूप से, दूसरा संचार होकर संचरित रूप से हमारे पास पहुंचा है, और तीसरा सुरक्षित रूप से वचन के अर्थ हमें हमारे बीच पे निश्चित किया गया है। इस कारण से परमेश्वर का वचन लिखित रूप से बाइबल के रूप में हमारे बीच में आया। फिर हम देखेंगे बाइबल की विश्वसनीयता। बाइबल पर हम विश्वास क्यों कर सकते हैं, भरोसेमंद क्यों है? पहला हम देखते हैं बाइबल ऐतिहासिक रूप से विश्वसनीय है। कई उदाहरण बताया जा सकता है। उदाहरण के लिए हमारे मध्य में खगोल शास्त्र आज हम देखते हैं, पुरातत्व विज्ञान जो उन कई नगरों को हमारे बीच में उजागर करके लाए हैं, जो जिनके विषय में कुछ विद्वान कहा करते थे कि ये मिथ्यक है और ये सत्य नहीं है, बाइबल में केवल ऐसा ही लिख दिया गया है। एक उदाहरण है ऊर नगर, जिसके बारे में हम बाइबल में पढ़ते हैं कि इब्राहिम उस नगर से था। 1922 में सर लियोनार्डो वूले के इस पुरातन नगर की खुदाई से पहले बाइबल में इस नगर का उल्लेख संदेहवादियों का खंडन और आलोचना का वस्तु बना रहा, लेकिन वर्ष 1922 से 1934 के दौरान स्थान में किए गए खुदाई ने न केवल उस पुरातन नगर के अस्तित्व को सिद्ध कर दिया, परंतु उस समय के उन्नत सभ्यता को भी उजागर किए। आज यह स्थान पुरातत्व संबंधी मंडल में टेल एल मुकैयर के नाम से जाना जाता है, जो इराक में पाया जाता है, और उर में कई जो खोज किए गए हैं उस नगर के बारे में जो वास्तविकताएं सामने आई, जैसे कि विराट मंदिर, मीनार, ज़िगुरात, ऊर नगर के खंडहर इत्यादि, उस जमाने के सभ्यता के बारे में कई बातें इतिहास के क्षेत्र में उसने प्रदान की। बाइबल वास्तविक रूप से सत्य है, इसके ऐतिहासिक प्रमाण हमारे बीच में है। उसके साथ ही साथ हम भविष्यवाणी की सटीकता को पाते हैं, जो बाइबल के विश्वसनीयता को साबित कर देती है। यदि आप यहेजकेल की पुस्तक पढ़ेंगे, यदि दानियल की पुस्तक पढ़ेंगे विशेष रूप से, तो जो भविष्यवाणी वहाँ पर किए गए हैं साम्राज्यों के बारे में, बेबीलोन के साम्राज्य के बारे में, मेदो फारस के साम्राज्य के बारे में, यूनान साम्राज्य के बारे में, और जो यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी किए, यशिया के पुस्तक में आप देखते हैं, भविष्यवाणियों के पुस्तक में,
और व्यवस्था की पुस्तकों में, भजन संहिता में जो भविष्यवाणी किए गए हैं, आप बाइबल में नए नियम में बार बार पढ़ के देखेंगे कि किस प्रकार से यीशु मसीह के जीवन और सेवकाई में वे पूरे हुए हैं। आज भी जो संसार में के संबंध में बाइबल की भविष्यवाणियां हैं वो पूरी होती हुई देखते हैं। एक भविष्यवाणी की सटीकता सत्यता बाइबल का की विश्वसनीयता का प्रमाण है। डॉक्टर बिली ग्राहम ने कहा, जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो एक हाथ में बाइबल एक हाथ में न्यूज़पेपर लेके पढ़ेंगे, आप देखेंगे कि किस प्रकार से जो कुछ बाइबल में लिखा गया है वो हमारे बीच में पूरा हो रहा है। ना केवल भविष्यवाणी की सटीकता सत्यता, लेकिन साथ ही साथ बाइबल के जो मूल पाठ हैं, मूल लिपियां हैं, हस्त लिपिया, उसके सटीकता को हम पा सकते हैं, विश्वसनीयता को हम देख सकते हैं। जो साहित्यकार अध्ययन करते हैं ऐतिहासिक मूल पाठों का, हस्त लिपियों का, वे देखते हैं कि बाइबल के अनेक प्रतियां, मूल प्रतियां हजारों की संख्या में पाई गई है और उनके बीच में समानताएं और अभ्रांता, किसी प्रकार की त्रुटियां नहीं पाई गई है। हल्का फुल्का यहाँ वहाँ त्रुटियां, क्योंकि लिखने वाले उस जमाने में प्रिंटर्स नहीं थे कि प्रतियां छिपा छापा जाए। यदि बाइबल की प्रति बनाना है तो हस्त प्रतियां बनाई जाती थी, देखकर फिर दूसरा प्रति उतारा जाता था। तो यहाँ वहाँ थोड़ा बहुत चूक हो सकती, लेकिन हजारों प्रतियां होने के कारण से हम जान सकते हैं कि सही प्रति में कौन से शब्द होने चाहिए थे। यदि आप ऐतिहासिक रूप से अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि प्लेटो, इफ्लातून, एरिस्टोटल, इनके लिखे हुए पुस्तकों के जो प्रतियां है उनकी तुलना में बाइबल की प्रतियां अनेकों गुणों अधिक है और अधिक विश्वसनीय है। सो बाइबल के पाठ के विश्वसनीयता को हम यहाँ समझ सकते हैं। उसके साथ साथ इसका प्रायोगिक, प्रैग्मेटिक, प्रायोगिक विश्वसनीयता, जो कुछ लिखा है उसे पूरा करेंगे, हमारे जीवन में यदि हम उसे लागू करेंगे तो उसके द्वारा प्रायोगिक रूप से हम किस प्रकार से लाभ पा सकते हैं। आज हम देखते हैं कि संसार भर में रेलवे बुक स्टॉल्स में जाएं, कहीं भी जाएं, अब कई प्रकार के सफलता से संबंधित पुस्तकें लिखे जा रहे हैं। अब मूल में देखेंगे तो ये सारी बातें बाइबल की शिक्षाओं पर ही आधारित है, नीति वचन यीशु मसीह के शिक्षा पर आधारित। हम अपने देश ही में देख सकते हैं कि किस प्रकार से यीशु मसीह के शिक्षाओं पर आधारित, पहाड़ी उपदेश पर आधारित होकर हमने स्वतंत्रता का संग्राम में जय प्राप्त किया है। सो व्यावहारिक रूप से ये लागू हो सकता है और ये इसका व्यावहारिकता हम देख सकते हैं। केवल उतना ही नहीं, जो प्रतिज्ञाएं दी गई बाइबल में कि प्रार्थना से संबंधित है, परमेश्वर के वचन पर विश्वास से संबंधित है, उन पर हम विश्वास करके अपने जीवन में चख कर देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये सत्य हमें सचमुच में आशीषित करता है, स्वतंत्र करता है। ना केवल ऐतिहासिक सत्यता, भविष्यवाणी की सत्यता, पाठ मूल प्रतियों की सत्यता और व्यावहारिक सत्यता, लेकिन हम साथ ही साथ देख सकते हैं कि वैज्ञानिक रूप से बाइबल सच्चा है और इसके कई प्रमाण हम विज्ञान में देख सकते हैं। अय्यूब के पुस्तक में, जबकि उस जमाने में लोग विश्वास करते थे कि बारिश के पीछे किसी प्रकार का कुछ कुछ घटनाएं हैं, कुछ बातें, कई प्रकार के थ्योरी सिद्धांत थे बारिश के विषय में, लेकिन बाइबल बताती है कि किस प्रकार से समुद्र का पानी वाष्प के रूप में ऊपर की ओर उठता है, बादल के रूप में बन जाता है, फिर ठंडा होके जमीन पर बरसता है। ये सारी बातें, ना केवल उतना कि किस प्रकार से परमेश्वर ने पृथ्वी को बिना किसी टेक का अंतरिक्ष में लटका के रखा है, ये वैज्ञानिक रूप से बाइबल की सत्यता को प्रकट करती है। फिर हम देखते हैं कि तार्किक संगत, तार्किक रूप से संगत होना, बाइबल का कोई भी वचन एक दूसरे के खिलाफ में नहीं है, तार्किक रूप से संगत है, इस बात को हम
बाइबल में देखते हैं। सो बाइबल विश्वसनीय है, बाइबल के पीछे उद्देश्य को हमने देखा, बाइबल की विश्वसनीयता को आज हमने देखा। अब अगले शिक्षा में हम देखेंगे प्रेरणा के विषय में कि बाइबल परमेश्वर के आत्मा के द्वारा प्रेरित वचन है, इस प्रेरणा का अर्थ क्या है। परमेश्वर आपको आशीष दे।